बेहतर पढ़ाई के साथ जिम ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा पढ़ाई के साथ अगर कुछ भी करोगे तो डेफिनेटली बात है पढ़ाई का होगा नुकसान। पढ़ाई के साथ कुछ ऐसा काम करो जो आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करे। पढ़ाई के साथ साथ आप सुबह सुबह जल्दी उठ के थोड़ा बहुत वॉक रनिंग कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन योगा वगैरह कर लिया करो यूट्यूब पर देखकर। आपके लिए ये जरूरी है बेटा जिम ज्वाइन करना। जब आप उसे करोगे ज्वाइन तो आप थकोगे भी, थकोगे तो आपके लिए 7-8 घंटे की नींद भी बहुत कम होगी, आपको नींद बढ़ानी पड़ेगी फिर। और नींद पूरी भी ले लोगे ना तो बॉडी थकी थकी रहेगी पूरे दिन, ये भी है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो बेसिकली वो जिम वाला जिम मत करना, अखाड़ा मत बना देना, कैजुअल कर सकते हो, हल्का फुल्का आधे घंटे के लिए गए। ये नहीं कि आज भाई साहब सारी मशीनें वसूल दूंगा मैं, पैसे दिए हैं पूरा मशीन वसूल के आऊंगा मैं, चाहे शरीर का सत्यानाश हो जाए पूरे दिन रेस्ट करूंगा, फिर पढ़ाई को तो आगे लगा दी तुमने। सो ये है कहानी मेरे भाई। तो मैं तो बार बार यही बोलता हूं, अब बच्चा माने या ना माने कई बार, तो ये सवाल कॉमन है ज्यादातर बच्चों का है, सर पढ़ाई के साथ जिम ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। भाई होता पता है क्या, आप लोग क्या करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह देख रहे होते हैं, वहां पर आपको भाई साहब सब अपना यूं 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 बॉडी दिखा रहे होते हैं, तुम कहते हो ओहो मैं भी बनाऊंगा मैं भी जिम जाऊंगा। तो जो हम देखते हैं वही सोचते हैं। तो जिम जाना बुरा नहीं है मेरे दोस्त, बट अभी पढ़ाई, आप स्टूडेंट हैं, तो जब आप स्टूडेंट लाइफ में है ना, तो स्टूडेंट जब जिम जाएगा तो जिम में जाकर आप थकोगे भी, थकोगे तो आपको 7-8 घंटे की नींद फिर कम लगेगी, आप बोलोगे थोड़ा और रेस्ट हो जाए, फिर आप दिन में भी थोड़ा बहुत सोना चाहोगे, फिर आप ज्यादा खाओगे भी उस हिसाब से, डाइट भी चेंज करोगे, डाइट चेंज करोगे तो उस हिसाब से भाई नींद बढ़ेगी। तो आपका ध्यान हो सकता है जिम जाने से जिम में इतना ज्यादा चला जाए, क्योंकि जिम करना या एक्सरसाइज करना भी अपने आप में एक नशा है, उसकी लत लग गई तो भाई पढ़ाई को आग लगा दोगे। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा करो जो पढ़ाई को सपोर्ट करे, उसके लिए खतरा ना बन जाए। हाँ, अगर आप एक अच्छे डिसिप्लिन में रहने वाले स्टूडेंट हैं तो आप जिम जाओ, जा सकते हो, बट आधा घंटा मैक्सिमम। और वहां इन्फ्लुएंस मत होना बाकियों की तरह, जो बाकी वहां लगे पड़े हैं वेट उठाने में, तुम भी उठाओ, तेरे से इतना ही उठता है, तुम भी और उठाने लगे, भाई तुम स्टूडेंट हो। तो फिर स्टूडेंट की तरह ही जिम करना, ठीक है, सिंपल से नॉर्मल छोटी छोटी एक्सरसाइज, डंबल्स मत उठाना, डंबली उठाना, डंबली डंबली होता है छोटी 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 डंबली, सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइजेस। तो जिम को अखाड़े की तरह ट्रीट मत कर लेना, प्रोफेशनल्स बनने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल्स के पास समय होता है अपनी बॉडी को देने के लिए, आपके पास नहीं है, आपको